हमारे बातचीत करने के लिए मौजूद है दिलीप पांडे जी। से देखा जाए जिस तरीके से आपने दिल्ली को पूर्ण राज्य के लिए बीजेपी पे आरोप लगाया यू टर्न का, लेकिन बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पे कई आरोप लगाते हुए, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं दिलाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक सालों में आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। अमित शाह जी ने कहा था कि ये विजिबल गवर्नमेंट है, लेकिन काम इनविजिबल है इनके, ये हमारा मानना है। काम न कर पाने की स्थिति में ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगाए जाते हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, हमारे मन में जिज्ञासा है, हम सवाल पूछ रहे हैं कि वो सारे वायदे जो दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग को लेकर भाजपा के तमाम बड़े और छोटे नेताओं ने पब्लिक डोमेन में रखे थे, उन वायदों का क्या हुआ? क्या जनता ये मान ले कि आपके तमाम जुमलों की तरह वो वायदे भी जुमले थे? और अगर ऐसा है तो 22 साल से दिल्ली की जनता के बीच आप झूठ बोलते रहे, क्या उसके लिए आप आ गया? उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बात की शुरुआत नहीं करी, वरना केंद्र सरकार जो है उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार। हम तैयार हैं, वो फुल स्टेटहुड की बात को लेकर सामने आए, पूर्ण राज्य की मांग को लेकर सामने आए, हमारे तरफ से जो भी रचनात्मक सहयोग होगा हम आज कमिट करते हैं कि उस तमाम फ्रंट्स पे, उन तमाम मसलों पे, मुद्दों पे हम खड़े हैं। आरोप ये लगाती है कि लोकपाल बिल जिसे लेकर 49 दिन में अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, आज 100 दिन पूरे हो गए लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं। देखिए, वो आरोप लगाते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि संकल्पबद्ध तरीके से दिल्ली की जनता से जो वायदे किए हैं वो पूरे किए जाएं। फुल स्टेटहुड का मसला भी हमारी जिम्मेदारियों वायदों में से एक था और उनके वायदों में से भी एक था। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्या तमाम छोटे बड़े नेता 22 साल से दिल्ली की जनता से पब्लिक डोमेन, पब्लिक लाइफ होने के बावजूद झूठ बोल रहे थे? इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है, आम आदमी पार्टी जानना। आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में बिजली पानी की बदहाली जो है वो देखने को मिल रही है, उस पर बीजेपी का कहना है कि वाटर टैंक पे जो विधायक के रिश्तेदार है उनका ठेका वहाँ पे लगा रहता है। समस्या तकलीफ की वजह ये है कि जो उनके चाहने वाले थे, जिनके वो रहनुमा बन बैठे थे, उनके कब्जे से वाटर टैंकर्स को और ट्यूबवेल्स को मुक्त करा दिया गया, तकलीफ उस वजह से हो रही है। दिल्ली में बिजली और पानी दोनों की हालत सुधरी है, पहले से बेहतर हुई है, सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं कहते, पर यकीन रखिए आने वाले समय में स्थिति और बेहतर होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। उनका कहना था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम करते हुए जा रही है उससे जनता भी खुश है, लेकिन बीजेपी पार्टी जो है वो अपना सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है बल्कि कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। मैं जागती सिंह, कैमरा पर्सन सुभाषिश के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।